उपायुक्त विवेक ठाकुर ने कहा कि शरद ऋतु के दौरान बर्फबारी या किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तत्परता से कार्य करेगा। वे उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में शरद ऋतु से पहले तैयारियों को लेकर समस्त विभागों के जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उपायुक्त विवेक ठाकुर ने कहा कि शरद ऋतु के दौरान बर्फबारी या किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तत्परता से कार्य करेगा। उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में शरद ऋतु से पहले तैयारियों को लेकर समस्त विभागों के जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान जिला के निचले क्षेत्रों में भारी बारिश होने के साथ साथ ऊपरी क्षेत्रों के चुहार घाटी, सिराज घाटी, शिकारी देवी, कमरुनाग क्षेत्र, पंडार बरोट, पराशर थुनाग, जंजैली तथा गाढ़ा गुसैली सहित अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना रहती है। इन क्षेत्रों में जनजीवन को सुचारू रखने व ग्रामीणों को बिजली पानी व राशन उपलब्ध करवाने के साथ साथ यातायात सहित हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा के लिए हर विभाग का एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से 28 नवंबर तक अपने अपने विभाग से संबंधित एक एक अधिकारी का पद नाम व मोबाइल नंबर जिला प्रशासन के पास भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने रोहाड़ा से पंडार तक ज्यादा बर्फबारी होने के कारण मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही को जारी रखने व चोल चौक क्षेत्र की सड़कों को खुलवाने के लिए उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर अपने स्तर पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्दियों के दौरान भारी बारिश व बर्फबारी के कारण बंद होने वाली सड़कों को खोलने, बिजली व पेयजल की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए संबंधित विभागाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस, पर्यटन व वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सर्दियों के दौरान पराशर बरोट, शिकारी देवी तथा कमरुनाग जाने वाले पर्यटकों व ट्रैक्टरों पर नजर रखें और किसी को भी ट्रेकिंग की अनुमति न दे ताकि इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिला के ऊपरी क्षेत्रों में जहां सर्दियों के दौरान ज्यादा बर्फबारी होने की आशंका है, उन क्षेत्रों में स्थित 76 उचित मूल्य की दुकानों में 5 महीने का अग्रिम राशन व गैस सिलेंडर भिजवाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 3 महीने का राशन भिजवा दिया गया है और 15 दिसंबर तक 5 महीने का राशन भिजवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उपायुक्त ने जिला के समस्त उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे छोटी से छोटी घटना की भी जानकारी जिला प्रशासन को व्हाट्सएप ग्रुप पर देना सुनिश्चित करें और सर्दियां शुरू होने से पहले अपने अपने क्षेत्रों के उपमंडल स्तर के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जिम्मेवारियां सौंपे ताकि उस दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न हो सके। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तुरंत जिला आपदा प्रबंधन परिचालक केंद्र के दूरभाष नंबर 01905226201 और 202 और 203 और 204 अथवा टोल फ्री 1077 नंबर पर सूचित करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा, जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान, उपमंडलाधिकारी राहुल चौहान, सुरेंद्र मोहन सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।